अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबद दोस्त इलेक्ट्रीशियन। आप देख रहे हैं आबद दोस्त यूट्यूब चैनल। जी प्यारे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूं। नाज़रीन, एक और नई वीडियो लेके मैं हाज़िर हुआ हूं अपने प्यारे दोस्तों के लिए। SMD जो लैट है 20 सेंटी की, वो छत पे वो ओपन लगाते हैं, सीलिंग के अंदर कटाई करके नहीं लगाते हैं। वो क्या हमारा तरीक़ाकार है, किस तरीके से लगानी है? हम चले आए, देखते हैं वो कौन सी लाइट है, क्या चीज़ है। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को आखिर तक देखना प्यारे दोस्तों। जी प्यारे दोस्तों, ये है लाइट 10 वाट की और 10 ही सेंटी है। अभी हम फिलहाल ये तो नहीं लगाएंगे। इसके साथ पे और एक लाइट पड़ी है, ये वाली लाइट है, ये है 20 सेंटी की और 20 ही वाट है इसमें। ये गोल है लाइट, सफ़ेद कलर है इसका। इसमें से दो किस्म की लाइट आती है, एक तो सफ़ेद रंग की आती है, एक इसमें हल्का सा पीला कलर है उसमें आती है। ये दो कलर की लाइट है। अभी इसका डब्बा ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में हम देखते हैं इसमें से किस तरीके से अंदर से इसकी चौक वगैरह है, जो ड्राइवर वगैरह इसके साथ है, स्टैंड वगैरह है। ये लाइट है प्यारे दोस्तों, ये इसका जे स्टैंड वगैरह है ने जिसके साथ लगाते हैं। ये चौक है इसकी, बहुत हैवी और ज़बरदस्त है ये लाइट। ये नीचे से इसी तरह का इसकी डेकोर वगैरह है, देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। ये इसका स्टैंड वगैरह है, साथ पे जे पेच वगैरह है, छत के ऊपर लकड़ी लगी हो, लकड़ी में भी लगा सकते हैं। ये जो हमने ऊपर जो हमारी छत है ऊपर जो लोहे की है, लोहे का जो मरबे का मरबा एक की शक्ल में एक जा रहा है पैप, उसी में हम ड्रिल की मदद से इसको मिसमार को लगा देंगे, पेच को लगा देंगे, सॉरी अरबी में मिसमार बोलते हैं। तो इसमें हम इसको पेच दो लगा देंगे इस लोहे के अंदर। ये जो हमारा स्टैंड है, पट्टी है, ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। जी प्यारे दोस्तों, एक और मैं आपको बात करना चाहता हूँ। मैं ये जो जब वीडियो बना रहा था तो वीडियो बनाते वक्त बहुत सारी मुश्किलें पेश आ रही थी। वो छोटे छोटे बारीक बारीक जो पेच होते हैं नीचे गिर जाते हैं। दूसरा एक इसका जो मोबाइल वगैरह भी नीचे रख के मैं वीडियो बना रहा था तो वो भी ठीक करना पड़ रहा था, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ये जो नट पेच वगैरह भी नीचे गिर जाता था वो भी नट हटाने के लिए भी आता हूँ। तो एक तो नया यूट्यूबर हूँ, ये जो मैं रेटिंग करने के लिए 3 दिन यही वीडियो के पीछे लगा रहा, केयर मास्टर पे बहुत ट्राई की, मेरी तो आधी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 3 दिन लगातार मैं रेटिंग करता रहा, तो ये जो कटाई करने की कोशिश करता रहा, ये जो मैं नीचे सीढ़ी के उतर के आके जो नट और पेच वगैरह उठाता हूँ वो काटने में बहुत मुश्किल पेश आई। ये नट ये उठाने की जगह जो मैं कटाई करना चाहता था, नीचे उतरता था फिर ऊपर जाता था, ये इतनी जगह कटाई नहीं हुई। जी प्यारे दोस्तों, जैसे भी है लेकिन वीडियो तो बन रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नहीं भी कटाई हुई तो वीडियो लगा देता हूँ। तो वीडियो के अंदर बहुत ज़बरदस्त सी मालूमात है, अच्छे तरीके से मैंने रीजनल तरीके से वो लाइट को लगाया है। अभी हमने स्टैंड लगा ली है। स्टैंड लगाने के बाद में हमारा जो न्यूट्रल फेस है 220 बिजली है जहाँ पे, इसके साथ हम ये जो चौक है हमारी, हम वो लगा रहे हैं अभी, उसका ज्वाइंट कर रहे हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाई है पहले बनाने के बाद में, मैंने जो ये जो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह बाद में की है दोस्तों। ये जो 4 मिनट की वीडियो थी, मैंने ये जो हमारी 8 मिनट की मुझे लगानी पड़ी, इस वजह से मैं सॉरी और माजरत चाहता हूँ। और मोबाइल वगैरह भी ठीक करने के लिए नीचे आ रहा था, तो मैं सोचा ये जो इतनी जो नीचे आता हूँ मोबाइल ठीक करता हूँ, मैं बाद में कटाई करता कर दूँगा केयर मास्टर पे, लेकिन इसकी कटाई नहीं हुई, बहुत मुश्किल पेश आई। जी प्यारे दोस्तों, अभी एक पेज नीचे गिरा था, वो उठाने के लिए मैं नीचे आया, फिर अभी उसी को उठा के अभी दूसरी साइड पे जो बाकी था अभी उसी को लगाया है। लगाने के बाद में फिर 2-3 बार मुझे नीचे उतरना चढ़ना पड़ा ये सीढ़ी से। अभी इसकी सिलिक की मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ। ज्वाइंट करने के बाद में फिर बाद में हम ये जो लाइट है हम ऊपर लगा देंगे।
जी प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से अच्छे तरीके से इसका ज्वाइन करना है। अगर आप भी इसी तरह का कोई काम कर रहे हैं, जो भी मेरा प्यारे दोस्त देख रहा है, अगर इसी तरह का कोई भी आप भी काम करते हैं तो इसी तरीके से ज्वाइन वगैरह भी अच्छे तरीके से मारना है, ताकि कोई भी तार वगैरह ऊपर करने से जो लोहा है ऊपर, तो लोहे के साथ टच ना हो, ताकि फिर जहाँ भी हमारा वाशरूम वगैरह भी रहेगा उसी के अंदर, वो छत वगैरह भी लोहे की है, उसी में भी पानी आएगा, जो भी उसी के अंदर भी बिजली हमारी आ सकती है। हमने थोड़ा सा टेप को ज़्यादा मारना है अच्छे तरीके से। ये जो ज़्यादा तार नीचे लटक रही थी, इसको हमने ऊपर कर दिया है। ऊपर करने के बाद में ये जो हम अभी इसी को लाइट को लगाएंगे, फिर एक बार नीचे उतर रहा हूँ, फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई मोबाइल का वो सीधा करने के लिए। दूसरा एक पेच गिर गया, पेच को तो बाद में मैं उठाऊँगा, सबसे पहले तो कैमरे को ठीक करता हूँ करने के लिए, तो भी ताकि वीडियो मेरी सही तरीके से रिकॉर्डिंग हो जाए। जी प्यारे दोस्तों, हम अभी इसी को जे जो लगाएंगे, चोक लगा रहे हैं इसी की। चोक लगाने के बाद में साइड से दो मसमार लगेंगे, दो पेच लगेंगे, दोनों साइड पे हम लगा देंगे अच्छे तरीके से। फिर एक बार मसमार नीचे गिर जाता है, ये भी आपको बता देता हूँ। दूसरी बार फिर उठाना पड़ता है। एक छोटे छोटे बिल्कुल बारीक पेच है, हाथ में के अंदर भी नहीं आ रहे थे, तो बहुत मुश्किल से सीढ़ी के ऊपर वो, इसलिए ज़रा मुश्किल पेश आती है। अगर वीडियो की मेरी रिकॉर्डिंग हो जाती तो ये जो इतने वीडियो छोटी आपको मिल जाती देखने को। चलो, जो भी मेरे प्यारे दोस्त हैं देख रहे हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो जैसी भी वीडियो बनी है, लेकिन वो मेरे प्यारे दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत वो दोस्तों मेरे को वीडियो पसंद आएगी। जी प्यारे दोस्तों, एक साइड पे मैंने मिसमार पेच को लगा दिया है, अभी दूसरी साइड पे पेच को लगाने के लिए वो छोटा सा ब्रीक सा एक पेच है, नट है, वो भी नीचे गिर गया है। वो नट को तो बाद में उठाऊंगा, पहले उसी को मैं छेड़खानी करता हूँ मोबाइल को भी, मोबाइल की भी वीडियो सही तरीके से वो रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। जी प्यारे दोस्तों, हमने अभी एक साइड पे लगा लिया है, दूसरी साइड पे भी हमने पेज को बहुत तरीके सही तरीके से लेकिन लगा लिया है। अभी हम इसको ओपन करते हैं। जी प्यारे दोस्तों, हमने ओपन किया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी लाइट सफ़ेद रंग की बहुत ही ज़बरदस्त ओपन हो चुकी है। लेकिन रात के टाइम बहुत, अभी दिन को मैं लगा रहा हूँ, रात के टाइम इसकी बहुत ज़बरदस्त लाइट होती है सफ़ेद कलर की, जो लाइट होती है। बार बार बटन इसलिए बंद मैं ऑन कर रहा हूँ, ताकि कभी एकदम बिजली छोड़ने से, जे जो नई चौक वगैरह होती, नई लाइट लगाती, कभी झटका लगने से उसका वो खराबी वगैरह होती है, तो वो बंद हो जाती, इसमें से तसल्ली हो जाती है। जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जैसी भी वीडियो बनी है मेरे प्यारे दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करना, शेयर करना, बेल के बटन को दबा के सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह निगेबान। जी दो दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, आने वाली हर वीडियो आपको